हेलो, जय श्री श्याम दोस्तों, मैं अर्जुन हेयर आर्टिस्ट आपके सामने लेके आया हूँ हेयर स्मूथिंग की थ्योरी। तो सीजर कैसे करते हैं, तो चलिए हम बात करते हैं आपसे। सबसे पहले हम फर्स्ट क्रीम के बारे में बात करेंगे, और उससे पहले मेरा नया चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट करना ना भूलें। और किसी भी और चीज़ की जानकारी चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं प्रोसीजर। सबसे पहले अपने क्लाइंट के हेयर देखें कि कल्स हैं, ज़्यादा डैमेज हैं, ड्राई हैं, और क्लाइंट से ये ज़रूर पूछें कि बालों में हिना कब से लगाया, कब से नहीं लगाया। और सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है हिना के बालों में ही होती है प्रोसीजर करते समय। तो ध्यान रहे, अगर आपके क्लाइंट ने ताजी 1 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में हिना बालों में लगाया है तो आप साफ मना कर रहे हैं उनसे कि अभी स्मूथिंग वगैरह कंप्लीट तरीके से नहीं होगी। अगर वो फिर भी कराते हैं तो उनको ये बोल के चलें कि रिजल्ट 80% आएगा, 20% नहीं आएगा। तो क्लियर क्लियर बोलें उनसे, ये नहीं है कि हम पैसे के चक्कर में आया कर दिया और बाद में ना तो आपके क्लाइंट को अच्छा लगे और ना आपको अच्छा लगे, तो ऐसा ना करें। हम ऐसा करें क्लाइंट को भी अच्छा हो, एक बार कराएं तो फिर दोबारा आप ही के पास आएं और एक दो को साथ में लेके आएं, इस तरीके से प्रोसीजर करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे फर्स्ट क्रीम की। फर्स्ट क्रीम स्टेटिंग से बॉन्ड को तोड़ना। तो फर्स्ट क्रीम अप्लाई करते हैं हम, बॉन्ड टूट जाते हैं, तो ये प्रोसीजर होता है फर्स्ट क्रीम का। और अब मैं आपको बताता हूँ प्रोसीजर कैसे करना है। तो सबसे पहले आप शैम्पू करेंगे, शैम्पू प्योरीफाई शैम्पू से ही करेंगे, ठीक है। एक बार अच्छे से शैम्पू करो, फिर पानी से रिंस करो, उसके बाद में दोबारा फिर प्योरीफाई शैम्पू लगाओ, 2-4 मिनट के लिए छोड़ दो, और जो कोट टैक्स में डस्ट वगैरह होगी वो भी निकल जाएगी। तो आप टॉवल ड्राई करें, टॉवल ड्राई करने के बाद में ड्रायर करेंगे और ड्रायर कंप्लीट 100% करेंगे। ड्रायर करने के बाद एक बार फ्लड ब्रश से सीधा सीधा आयरन करेंगे, जैसे कि एक प्रेसिंग करते हैं नॉर्मली, उस हिसाब से फ्लड ब्रश लें थोड़ा वाला और अच्छे से आयरनिंग करें। आयरनिंग करने के बाद फिर हम 4 सेक्शन डिवाइड करेंगे, प्रोफाइल सेक्शन और रेडियन सेक्शन, एयर टू एयर वाला। तो करने के बाद में सेक्शन क्लिप से बालों को पिनअप करेंगे, छोटे छोटे सेक्शंस के साथ में क्रीम अप्लाई करेंगे, और बाउल में क्रीम उतनी ही निकालें जितनी 2-3 मिनट में लगा सकें। ज़्यादा निकालेंगे हवा लगेगी फिर, तो वो थोड़ा रिजल्ट ऊपर नीचे हो जाता है। और दूसरा दूसरा ये है कि 15 मिनट में क्रीम का प्रोसीजर होना चाहिए। अगर आपकी काम करने की स्पीड अच्छी है तो ठीक है, नहीं तो फिर किसी को साथ में लें, एक तरफ से उसे कराएं, एक तरफ से आप करें, तो 15 मिनट में प्रोसीजर कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। जैसे प्रोसीजर कंप्लीट होता है तो फिर आप बालों को 15 मिनट के लिए छोड़ेंगे। 15 मिनट के बाद आप बालों को चेक करेंगे। चेक में क्या करना है, एक बाल लेना है, एक पीछे से पकड़ना है, आगे से पकड़ना है, और ऐसे करके खींचना है। अगर उसमें एस वे बन के आ रहा है, एस वे दिस इज ऐसे करके एस वे होता है वो, तो उसको एस वे देखें। अगर चारों तरफ से देखें, ऐसा नहीं है कि एक बाल हो गया उसके बाद में आपने चेक ही नहीं किया हो, अच्छे से देखें। 4 सेक्शंस में देखें, एक दो दो बाल चारों तरफ से निकालें और उसको खींचें, देखें कि एस वे कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर आपको लग रहा है कि 30 मिनट हो गए, 45 मिनट हो गए, जितनी भी समय में आपका एस वे बन के आ रहा है तो आप बालों को रिंस करेंगे, ठीक है। रिंस करेंगे अच्छे से और सीधा सीधा रिंस करेंगे कंप्लीट तरीके से। अब हम बालों में प्रॉपर तरीके से रिंस करेंगे, और रिंस करने के बाद में मास्क अप्लाई करेंगे। फर्स्ट क्रीम अप्लाई करने से बालों में ड्राइनेस आ जाती है, मॉइस्चराइजर ख़त्म हो जाता है, इसलिए हम मास्क लगाते हैं ताकि हमारा मॉइस्चराइजर
वापस आए और बाल भी ज़्यादा ड्राई ना हो। ठीक है, हमने 10 मिनट के लिए मास्क लगा के छोड़ा, उसके बाद में फिर हम बालों को ड्राई करेंगे। मीडियम एयर से, ड्रायर से करना है, अच्छे से 100% ड्रायर करेंगे और फिर फोर सेक्शन डिवाइड करेंगे। फोर सेक्शन डिवाइड करने के बाद प्रोफाइल सेक्शंस और रेडियन सेक्शंस निकालने के बाद में हम आयनिंग करेंगे। आयनिंग हम इस हिसाब से करेंगे कि इतने बाल लेंगे एक सेक्शन में कि हमारा हथेली दिखे बालों के अंदर। ठीक है, बहुत छोटे छोटे सेक्शंस लेने हैं और एक सेक्शंस को कम से कम 10 बार आपको करना ही करना है। आयनिंग करते हुए समय को 1 घंटा होना ही होना है। ठीक है, 1 घंटे तक आयनिंग करनी ही करनी है। एक सेक्शन पे 10 बार कम से कम आयनिंग करनी है और बहुत छोटे छोटे सेक्शंस लेने हैं, बारीक बारीक लेने हैं। और पूरे बालों को जब हमारा आयनिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम न्यूट्रलाइजर अप्लाई करेंगे। और न्यूट्रलाइजर आपने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कुछ न्यूट्रलाइजर अप्लाई कर ही देते हैं और फिर वो उनका तरीका ये होता है कि बाल भी ड्राई हो जाते हैं और लकड़ी जैसे बाल हो जाते हैं। तो इसलिए न्यूट्रलाइजर अप्लाई करते समय 2 चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम फर्स्ट क्रीम समथिंग हमने 45 मिनट रखी तो हम न्यूट्रलाइजर भी 45 मिनट ही रखेंगे, ये गलत है। और आपको सिर्फ 15 मिनट रखना है न्यूट्रलाइजर, सबसे इम्पोर्टेंट आपको न्यूट्रलाइजर 15 मिनट ही रखना है। और दूसरा, आप जब भी न्यूट्रलाइजर अप्लाई करेंगे, सपोज करो जैसे आपने 70% न्यूट्रलाइजर लिया तो उसमें 30% मास्क मिलाएंगे, मिक्स करेंगे। ठीक है, 30% मास्क मिक्स करेंगे तो उससे बालों में ड्राइनेस नहीं आएगी और बहुत ही सॉफ्ट रहेंगे, शाइन करेंगे बाल, बहुत अच्छे रहेंगे। ठीक है, हेड का मूवमेंट ना करें लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, जैसे आपने फिक्स किए हैं बाल तो वैसे ही 15 मिनट बैठें। और देखा होगा कुछ लोग कभी ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं, कभी ऊपर नीचे, तो वो गलत है। तो सिर्फ फोकस रखना चाहिए, सामने न्यूट्रलाइजर अप्लाई हो गया, अच्छे से बालों को कॉम करके सेट कर दिया। ठीक है, 15 मिनट के बाद आपको वॉश करना है और वॉश करने के बाद अगर आपकी इच्छा है अगर तो मास्क लगा सकते हैं थोड़ा, अगर नहीं है तो नहीं लगा सकते, दोबारा में कोई ज़रूरत नहीं है मास्क, क्योंकि न्यूट्रलाइजर के साथ अप्लाई हम पहले ही कर चुके हैं। अच्छे से रिंस करेंगे, रिंस करने के बाद फिर टॉवल ड्राई करेंगे। फिर टॉवल ड्राई करने के बाद हम बालों में ड्रायर करेंगे और फिर छोटे छोटे सेक्शन लेके फिर हम क्लाइंट को बता के चलेंगे कि 24 घंटे तक आपको बालों में पानी नहीं लगाना है। ठीक है, और जैसे नाइट में सोते हैं तो कमर के नीचे बाल ना आए, ये खास याद रखना। ऐसे करके लेफ्ट राइट कर सकते हैं और सो सकते हैं। बालों में क्लेचर, रबड़ बैंड और कुछ नहीं लगाना। ठीक है, कॉम भी नहीं करना। ठीक है, ये चीज़ आप उनको बोल के चलिए, 24 घंटे में बालों का फिक्सिंग का प्रोसीजर हो जाता है। तो हमारी फर्स्ट क्रीम का काम बॉन्ड को तोड़ना, उसके बाद में हमने मास्क अप्लाई किया। मास्क का हमारा काम था बालों को मॉइस्चराइजर देना जो कि फर्स्ट क्रीम अप्लाई करने से निकल जाता है। ठीक है, नंबर 3, फिर हमने ड्रायर किया, आयनिंग की। आयनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, 1 घंटे आपको करना ही करना है छोटे छोटे सेक्शंस के साथ। ठीक है, आयनिंग का हमारा काम है जो हमारे बॉन्ड फर्स्ट क्रीम से टूटे हैं उसको वो शेप देता है। ठीक है, आयनिंग बॉन्ड तो हमारे कल इसमें से टूट गए, अब वो टूटों को शेप देगा। ठीक है, शेप देता। न्यूट्रलाइजर का काम ये होता है कि वो शेप को फिक्स करता है, 15 मिनट में फिक्स हो जाता है, लेकिन पूरी तरीके से फिक्स होने में उसको 24 घंटे लगते हैं। इसलिए हम क्लाइंट को बोलते हैं कि घर पे रबर बैंड, क्लेचर और वॉश भी नहीं करना, पानी भी नहीं डालना। तो ये प्रोसीजर है, अब तो आपकी समझ में क्लियरिटी आ गया होगा। और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वो क्लियर करूँगा। मेरी समथिंग 3री-4थी वीडियो है तो थोड़ा नर्वस होता है आदमी, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा मुझे भी लगेगा और मैं कुछ नया आपके लिए भी आगे लेके आऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखें, मिस ना करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो
हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय श्री श्याम, जय बालाजी महाराज, बाय।